राज्य के वार्ड नंबर 22 और 23 में मेडिकल टीम ने जांच शुरू कर दी है। अब तक कुल 24 टीमें क्षेत्र में स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं। हिंदपीढ़ी के वार्ड नंबर 22 में पहुंची मेडिकल टीम का जायजा लिया संवाददाता शाहनवाज ने। इसकी रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। यही वजह है कि रांची समेत पूरे देश में स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई है। इस वक्त हम मौजूद है हिंदपीढ़ी क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 में, यहाँ मेडिकल टीम पहुंच गई थी। दरअसल कल जिस मेडिकल टीम को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, वो अब तमाम तरह के जो विवाद है वो समाप्त हो चुके हैं और मेडिकल टीम हिंदपीढ़ी पहुँच करके जो स्क्रीनिंग की जो कार्रवाई है या जाँच की कार्रवाई है शुरू कर चुकी है। आइए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह मेडिकल टीम आई है और किस तरह जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है। ये वार्ड नंबर 22 है जो हिंदपीढ़ी का क्षेत्र है। यहाँ पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो मेडिकल की टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई है और एक एक व्यक्ति से जो जो तफसील है, जो जानकारी है वो ली जा रही है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में डिटेल बता रहे हैं। क्या उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी है, कफ है, बुखार है, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। अब देखिए जो चिकित्सक हैं, जो नर्सेज हैं, जो वॉलंटियर हैं, तमाम लोग मिल करके इस काम को सफल बना रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं। ये पूर्व पार्षद भी हैं इस वार्ड के। असलम जी, ये बताइए कि कल तक जिस टीम को लेकर इतना विवाद हुआ, विवाद तो समाप्त हो गया, अब क्या प्रक्रिया आगे शुरू हो गई है? देखिए कल जो माहौल था, खास करके रांची में हिंदपीढ़ी शहर का और दूसरे इलाका में जो है हिंदपीढ़ी की जितनी बदनामी, हमें लगता है ये मीडिया के माध्यम से जो है हिंदपीढ़ी को बदनाम किया गया। मैं मीडिया के बंधुओं से ये गुजारिश करूंगा, जो देख रहे हैं आज जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है हिंदपीढ़ी में, सब लोग अपने स्वच्छ से, डॉक्टर की टीम आई हुई है और सोशल डिस्टेंस बना बना कर ये अपने जिम्मेवारी के तहत अपने परिवार का स्वास्थ्य का जांच करा रहे हैं। तो आज ये मीडिया बंधुओं से गुजारिश है, आ कर ये मीडिया वाले कवरेज करें और पूरे रांची शहर, पूरे झारखंड में इसको दिखाए। उनको दिशा निर्देश दिया गया है यहाँ के तर्ज पर कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और घर का कोई भी क्षेत्र का घर का कोई भी सदस्य इस जाँच से मतलब छूटे नहीं, तमाम लोगों का जाँच जो है हो जाए और बहुत खुशी से। और बहुत सर क्या कुछ दिशा निर्देश देकर के इस क्षेत्र में आप लोगों को भेजा गया? अभी हाउस होल्ड सर्वे चल रहा है और अभी तक ऐसे कोई केस नहीं आई है। लोगों का किस तरह सहयोग मिल रहा है सर? नहीं, लोगों के द्वारा कल शाम से काफ़ी कोऑपरेट किया जा रहा है। कल शाम को लगभग 1300 घरों का सर्वे किया गया था, रात के 10 बजे तक सर्वे हुआ है और 1300 लोगों का हुआ है। आज फिर 9 बजे से टीम हम लोग की स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है। कल जो मामला था, कल जो स्थितियां थी वो बिल्कुल बदल गई हैं। आज बिल्कुल पुरसकून माहौल है और हिंदपीढ़ी के लोगों ने पूरा सहयोग दिया है। यही वजह है कि विभिन्न क्षेत्रों में ये टीमें काम कर रही हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि एक एक घर से लोग निकलेंगे, अपनी जाँच कराएंगे, क्योंकि ये उनके लिए, ये उनके परिवार के लिए, पूरे क्षेत्र की भलाई के लिए बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन पवन के साथ शाहनवाज, न्यूज़ 11 भारत, रांची।